कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के लिए सिद्धारमैया का नाम तय, जल्द हो सकता है ऐलान, कल सीएम पद की शपथ ले सकते हैं सिद्धारमैया। डीके शिव कुमार को भी मिल सकता है अहम पद, बने रहेंगे कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने कहा कि बेकार नहीं जाएगी डीके की वफादारी। आतंकी गैंगस्टर गठजोड़ के खिलाफ बड़ा एक्शन, दिल्ली पंजाब और यूपी समेत देश भर में कई ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी, हिरासत में कई लोगों से पूछताछ। पटना में धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार का आखिरी दिन आज, पोस्टर पर कुछ लोगों ने कालिक पोत कर लिखी विवादास्पद बात, समर्थकों ने बताया सनातन का अपमान। हिंदू महासंघ ने नासिक के त्रिबकेश्वर मंदिर में किया शुद्धिकरण, गडेर हिंदुओं के प्रवेश के बाद श्रद्धालुओं में आक्रोश, एसआईटी ने शुरू की मामले की जांच पड़ताल। जोधपुर के बाद अब जैसलमेर में भी पाकिस्तान से विस्थापित हिंदुओं पर चला बुलडोजर, अतिक्रमण के आरोप में प्रशासन की कार्रवाई, बीजेपी का गहलोत सरकार पर निशाना। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर धमाके की एनआईए जांच पर अड़ी बीजेपी, शुभेंदु अधिकारी पहुंचे वारदात वाली जगह, अवैध बम फैक्ट्री धमाके में हुई 9 लोगों की मौत। अलकादे ट्रस्ट घोटाला मामले में इमरान खान को एनएबी का समन्स, कल रावलपिंडी में हाजिर होने का फरमान, बुशरा बीबी को भी भेजा गया समन्स। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल, दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, मैं हूं आपके साथ रितिका सिंह। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने अपनी गिरफ्तारी के बाद एक वीडियो मैसेज जारी करते हुए आर्मी चीफ जनरल मुनी पर उनसे अपने निजी दुश्मनी निकालने का आरोप लगाया था, जिसके बाद इमरान खान और आसिम मुनीर में ठन गई। 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पूरे पाकिस्तान में पीटीआई कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने हिंसा की थी और आर्मी के ठिकानों पर हमला बोला था, जिसके बाद सेना ने भी आर्मी एक्ट के तहत आरोपियों पर कार्रवाई की बात कही। दरअसल इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर को अक्टूबर 2018 में आईएसआई चीफ बनाया था, लेकिन महज 8 महीने बाद ही उन्हें पद से हटा दिया। वो सबसे छोटे कार्यकाल वाले आईएसआई चीफ रह गए। बताया गया कि इसके पीछे उस वक्त के प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी का हाथ था, जिनके कहने पर ही इमरान खान ने मुनीर को आईएसआई चीफ के पद से हटा दिया था और तभी से आर्मी जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान और बुशरा बीबी से दुश्मनी ठान ली।